सोमवार को कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली डेयर डेविल्स के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें खुद के घर में खेले गए मैच में कोलकाता ने दिल्ली की टीम को धो डाला। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता की टीम ने बल्ले से ऐसा कमाल दिखाया कि 200 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, जिसका पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम ने जोर तो खूब लगाया लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी और दिल्ली डेयर डेविल्स को 71 रनों से हार का सामना करना पड़ा। सोमवार को हुए कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली डेयर डेविल्स के बीच कड़े मुकाबले में कोलकाता की टीम ने दिल्ली की टीम को 71 रनों से हरा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी नीतीश राणा ने 69, आंद्र रसेल ने 41, रॉबिन उथप्पा ने 35 और ओपनर क्रिस लिन ने 31 रन की पारी खेली, जिसकी बदौलत कोलकाता ने 20 ओवर में 200 रन का स्कोर बनाया और दिल्ली की टीम को 201 रन का लक्ष्य दिया। वहीं कोलकाता की ओर से मिले 201 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली की शुरुआत बेहद खराब रही। दिल्ली ने 24 रन पर ही जेम्स रॉय, श्रेयस अय्यर और कप्तान गौतम गंभीर के विकेट गवा दिए। फिर ऋषभ पंत 43 रन बनाकर कुलदीप यादव के शिकार बने। यहां से दिल्ली की पारी संभल नहीं सकी और ग्लेन मैक्सवेल के आउट होते ही उनकी बची खुची उम्मीद भी खत्म हो गई। फिर मैदान में उतरे मैक्सवेल ने 47 रन बनाए लेकिन दिल्ली की टीम इतने विशाल स्कोर का पीछा नहीं कर पाई और 71 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में कोलकाता के खिलाड़ी नीतीश राणा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। डीबी लाइव की रिपोर्ट।